हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ये वीडियो क्लिक किए हैं तो आप पूरा देखिए, और अगर नहीं देखना है तो बल्कि अभी ही चले जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बहुत ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूं, बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए भी और बाकी SSC और रेलवे के एस्पिरेंट के लिए भी, और साथ में इस चीज़ के लिए भी बताने वाला हूँ कि जो चैनल आपके इस कैंपेन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं और आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं कि कल IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई अर्बन वाली। हर साल ये वैकेंसी अमूमन 8 से 10 हज़ार के समथिंग आती थी, लेकिन कल ऐसा झटका लगा है बैंकिंग एस्पिरेंट को। इसमें टोटल वैकेंसी आई हुई है 1557 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की, 1557, यानी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद से बैंकिंग एस्पिरेंट जो है एकदम से जाग खड़े हुए कि सर हमें भी कैंपेन चलाना चाहिए जैसे कि SSC और रेलवे के स्टूडेंट ने चलाया। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन उन्हीं बैंकिंग बैंकिंग के एस्पिरेंट से है कि क्या आप लोगों ने SSC और रेलवे के स्टूडेंट का साथ दिया था कल? अगर दिया था तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया था तो फिर वो लोग भी क्यों आपके लिए कैंपेन में हिस्सा लेंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है यूनिटी की। अगर आप कहीं से भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप SSC बैंकिंग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या NEET JEE की कर रहे हैं या 12वीं ही पढ़ रहे हैं, अगर आप 12th में भी हैं या कॉलेज में भी हैं, आगे हो सकता है अगले 2-4 साल बाद अगर आप तैयारी करने वाले, तो स्टूडेंट का यहाँ साथ में आना जरूरी है। सिर्फ यहाँ अकेले की लड़ाई नहीं है। मान लीजिए SSC रेलवे का हमने कल कैंपेन चलाया, वो लोग तो साथ थे। अब बहुत सारे बैंकिंग एस्पिरेंट ने ये सोचा कि हम क्यों करें, हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं। आखिर आपके ऊपर भी ये गाज गिर गई कि वैकेंसीज यहाँ इस प्रकार की आ गई, और साथ में आपका SBI क्लर्क का प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा है, RBI असिस्टेंट का प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आखिर आपके साथ भी ये चीज़ें तो हो ही गई। तो ऐसा सबके साथ होगा ही बारी बारी करके। तो इसलिए आप सभी को एक साथ इकट्ठा होना है, SSC बैंकिंग रेलवे किसी की भी प्रॉब्लम हो सबको एक साथ एक कैंपेन में आना पड़ेगा, तब कुछ होगा। क्योंकि SSC और रेलवे के जो एस्पिरेंट हैं उसके कंपेयर में बैंकिंग एस्पिरेंट कुछ भी नहीं है। अकेले रेलवे के 2.5 करोड़ एस्पिरेंट हैं जो कि RRB NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, और करीब करीब 50 लाख लोग तो SSC के स्टूडेंट्स हैं। तो उसके कंपेयर में बैंकिंग की मुश्किल से 10 या 12 या 15 लाख लोग तो स्टूडेंट ही हैं। तो अगर आप लोग SSC रेलवे वालों का साथ नहीं दोगे, बैंकिंग वालों, तो वो लोग क्यों आप लोग का फिर साथ देंगे? तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी SSC रेलवे वालों में भी साथ देना, तभी SSC रेलवे वाले भी आपका साथ देंगे। मेन समझाने का मतलब ये है। तो जब भी कोई कैंपेन चले तो आप सब इकट्ठा हो, ये मत सोचो कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारा तो ऐसा कोई है नहीं, हमने फॉर्म नहीं भरा तो हम क्यों इसमें करें। ये जो आपकी आदत है, ये जो है, इसको आप लोग अभी से हटा दो। तो ये तो ही इन चीज़ों की बात। अब एक बात मैं आप लोग को ये बता देने वाला हूँ यहाँ पर कि आखिर ये वैकेंसीज मतलब कि इस टाइप से क्यों आ रही हैं। तो देखिए, पहला कारण है कि COVID-19 के कारण तो इंक्रीज नहीं भी हो रहे हैं, क्योंकि जो जगह मान लीजिए कि 8 हज़ार वैकेंसी आती थी, तो वो सोच रहे हैं कि हम अपने कम एम्प्लॉय से ही ज़्यादा काम करा के हम काम चला दें, हम नए रिक्रूटमेंट ज़्यादा ना करें, इस वजह से भी वैकेंसी कम आ रही है। दूसरी चीज़ कि ये इन लोगों का नाटक भी चल रहा है, क्योंकि ये बार बार ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इस बार की बात नहीं है, ये बैंकिंग इंडस्ट्री के पिछले 4-5 महीने, सॉरी 4-5 साल का जो सिनेरियो है उसमें ये रिड्यूस ही होती जा रही है वैकेंसी। IBPS बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है SSC और रेलवे के कंपेयर में, वो अपना काम टाइम टू टाइम करता है, सब काम सही होता है उसका, लेकिन वैकेंसीज का जो एक मुद्दा है वो जरूर सबको कर देता है, क्योंकि आप वैकेंसीज कम करते जा रहे हैं और फीस आपने 850 रुपये रखी हुई है, और साथ में आपने वहाँ बोल दिया है कि हम कोई चेंज नहीं करेंगे सेंटर किसी प्रकार, मतलब पूरी तरफ से एक दादागिरी टाइप का। आपने RRB PO क्लर्क का एग्ज़ाम जो अभी 12 सितंबर से होने वाला है उसको आपने डेट दे दी, ट्रांसपोर्टेशन का क्या होने वाला है, एडमिट कार्ड अभी तक आपने रिलीज नहीं किया, आज सिर्फ अब 10 दिन रह गए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे में क्या होने वाला है, मतलब ये क्या लापरवाही है आप लोगों की। तो IBPS भी अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है इन चीज़ों को देखें तो। और दूसरी चीज़, वैकेंसी देखिए, पिछले साल जो IBPS क्लर्क की वैकेंसी आई थी वो 12 हज़ार वैकेंसी आई थी, जो कि बाद में बढ़कर 18 हज़ार हो गई थी, 6 हज़ार वैकेंसी बाद में इंक्रीज भी हो गई थी, लेकिन इस बार वैकेंसी आई है 1557 वैकेंसी। 18 हज़ार से कंपेयर करें तो ये तो उसका 10% भी नहीं आई है इस बार।
तो कैसे किसी का मन लगेगा कि हम इसकी तैयारी करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी अभी नए हैं जो कि सोच रहे होंगे कि एसएससी रेलवे में इतनी सारी चीज़ें धांधली वगैरह चलती रहती है तो हम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर लें, लेकिन बैंकिंग का भी हाल ये है, तो उनका वो कैसे मोटिवेट रहेंगे। कोई कितना भी मोटिवेट करे, सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ी होती है, लेकिन वो कब तक उसे रख पाएंगे। ऐसे में ही एक चैनल है गाइडली करके, जो कि काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया। तो गाइडली तो मैंने पहले मैं नहीं जानता था इस चैनल के बारे में, पर मैंने गाइडली को देखा तो उसमें कुछ पहचान के लोग ही दिख गए, जैसे कि सचिन मोदी सर, जो कि पहले अड्डा 24/7 में पढ़ाते थे, फिर टेक्स्ट बुक पे भी पढ़ाते थे वो, तो वो वहाँ पर अब उन्होंने गाइडली ज्वाइन कर लिया है। एक अभिजीत सर है, वो भी पहले टेक्स्ट बुक में ही थे, वो भी वहाँ ज्वाइन हुए, तो उन्हें मैंने देखा कि वो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। साथ में एक और सर हैं, अगर आप लोग नहीं जानते, करंट अफेयर्स फंडा करके एक चैनल है, विकास सर है, वो भी इस मुद्दे पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखिए 5 सितंबर को ये कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग के लिए, जिसमें है SBI प्री का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसके लिए हैशटैग चलाएंगे ट्विटर कैंपेन, साथ में RBI का और साथ में इंक्रीज वैकेंसी, IBPS इंक्रीज वैकेंसी का एक हैशटैग चलाने वाले हैं। तो उस बारे में हैशटैग क्या होना चाहिए और शायद इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो हैशटैग था वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। गड़बड़ इसलिए लगा कि उसमें जो स्पेलिंग का जो है, तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर जैसे हमने हैशटैग SP को SSC रेलवे स्टूडेंट में हमने किया था, वो सही दिखता है, उसमें देखने में भी दूर से ही समझ में आ जाता है कि लिखा क्या है, मतलब ज़्यादा मैच नहीं है। तो हैशटैग में थोड़ा सुधार करना चाहिए, उसके बारे में हालांकि मैं 4 सितंबर को आपको बताऊंगा, क्योंकि ये कैंपेन 5 से स्टार्ट होगा। तो बात यह है कि उसमें मैं पूरी आप लोग की भी हेल्प करूंगा, मैं अपने चैनल में भी उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अब हाँ, वीडियो बनाने से याद आया उन लोगों के बारे में जो कि इससे रिलेटेड वीडियो नहीं बना रहे हैं। कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि आप सभी स्टूडेंट की वजह से ही 10-12 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुंच चुके हैं। उनको भी पता है और आप सभी को पता है कि वो जिनकी वजह से बड़े बने हैं ना, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो रेलवे स्टूडेंट का है। जब से 2018 में रेलवे ALP और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसके बाद NTPC और ग्रुप डी की 2019 की वैकेंसी आई, तब से उनका चैनल इतना ग्रो हुआ है। जो 2-3 मिलियन पे सिमटे हुए थे, वो वहाँ से उठकर आज 12 मिलियन तक गए हैं। और उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया, लाइक डिसलाइक के ऑप्शन को बंद कर दिया, जिससे कि समझ में ना आए और कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कमेंट ना आए, क्योंकि सभी का गुस्सा हुआ कि भाई आप स्टूडेंट के वजह से वहाँ तक पहुँचे हो और आप उनके आज मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दे रहे हो। कोर्स बेचने के समय में तो आप 1 घंटे में 4-4 वीडियो बनाकर पहुँच जाते हो कि ये कोर्स लाए हैं, वो कोर्स लाए हैं, मतलब इतना इरिटेट कर देते हो स्टूडेंट को कि मतलब वो मजबूर हो जाता है, कभी कभी वो कोर्स ले भी लेता है आपका, जबकि कोई कुछ कोर्स में आपके होता नहीं है। यानी कि अगर आप कोर्स ले रहे हो तो क्या मतलब फ्री में जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा रहे हो क्या? तो ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। आप लोग को ऐसे चैनल से ही दूर हो जाना चाहिए। एग्जामपुर जैसा चैनल जो कि है, वो इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पिछले 3 घंटे से मैं देख रहा हूँ वो लाइव बने हुए हैं, तो बने हुए हैं और अभी भी पता नहीं कितने देर तक बने रहेंगे। बहुत सारे लगभग पूरे ऐसे ऐसे चैनल्स ने वीडियो आपके लिए बनाई है जो कि शायद SSC रेलवे बैंकिंग की तैयारी तक नहीं कराते हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने भी आवाज़ उठाई। लेकिन ये कुछ ऐसे चैनल हैं जो कि आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, जबकि वही आपकी बदौलत ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऐसे चैनल को तो एकदम पूरी तरह से बहिष्कार, बॉयकॉट कर देना चाहिए, उन्हें अनसब्सक्राइब बल्कि कर देना चाहिए। मतलब क्या है यार कि आप स्टूडेंट के वजह से इतने बड़े बने हो और आप उन्हीं का साथ नहीं दे रहे हो, एकदम आंख मूंद लियो जैसे कि सरकार ने आंख मूंद ली है, किसी पर ध्यान नहीं दे रही है। तो इन चैनल के बारे में आप क्या कहें, बस इतना ही कह सकता हूं मैं, तो बाकी आपकी इच्छा है आप उनके साथ क्या करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी। और हाँ, साथ में एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको बैंकिंग एस्पिरेंट वालों के लिए, कि देखो बैंकिंग का जो सिनेरियो हुआ है वैकेंसीज़ का, वो मैं आप लोग को अब दिखाता हूँ कि आखिर हालात किस टाइप के हो गए हैं। तो हालात कुछ ऐसे हुए, मतलब कि पिछले 4-5 साल के अगर मैं आपको सिनेरियो दिखाऊं कि आखिर बैंकिंग इंडस्ट्री में जो वैकेंसीज़ हैं वो किस टाइप से एकदम रिड्यूस हुई हैं, उनका डाउनफॉल हुआ है। तो देखिए 2013 की अगर बात करें तो वहाँ क्लर्क की वैकेंसी आई हुई थी 39,692 वैकेंसी आई थी, सोचिए क्लर्क की, और PO की आई थी 21,680 वैकेंसी, 13 की बात है। 14 में ये हुआ कि 17,000 वैकेंसी आई क्लर्क में, PO में आई 16,721 वैकेंसी, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2015 में 24,583 वैकेंसी आई क्लर्क में, 12,434 वैकेंसी आई PO में। फिर
फिर हुआ 2016, 2016 में 19,243 वैकेंसी आई क्लर्क की, पीओ की आई यहाँ 9,456 वैकेंसी। देखिए रिड्यूस आप देखिए कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद 2017 में 7,883 वैकेंसी क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क की, और पीओ की आई 3,562 वैकेंसी। 2018 में 7,275 वैकेंसी, 4,252 पीओ में। 2019 में 12,057 वैकेंसी जो कि मैंने अभी आप लोगों को कुछ देर पहले बताया, और 4,336 वैकेंसी आई पीओ में। अब आया हमारा 2020 जिसमें आई 1,557 वैकेंसी, इन्होंने मिस्टेक से लिख दिया 1,507, 1,557 वैकेंसी है टोटल क्लर्क में, और 1,167 वैकेंसी अभी एक महीने पहले ही जब आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आया था तो 1,167 वैकेंसी उसमें आई थी, जो कि 250 वैकेंसी इंक्रीज हुई तो 1,417 हो गई। तो ये तो डाउनफॉल होता जा रहा है और आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि और भी देखने को मिले, लेकिन इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको भी यहाँ ट्विटर कैंपेन चलाना पड़ेगा, जिस तरह से कल हैशटैग SSC रेलवे के स्टूडेंट ने चलाया, जिससे हम लगातार वर्ल्ड वाइड नंबर वन ट्रेंडिंग पर बने रहे थे, और उसके हमने SSC बोर्ड को झुका दिया और उन्होंने शाम तक इसका रिजल्ट की डेट जो है वो घोषित कर दी, लेकिन रेलवे अभी भी सोया हुआ है। तो रेलवे के लिए भी हम लोग उसकी खबर लेने वाले हैं, रेलवे का भी हम लोग यहाँ कैंपेन अभी जारी रखेंगे, और साथ में अब बैंकिंग वाले भी कैंपेन में हिस्सा लें और उनके भी जो इंक्रीज वैकेंसी करने का है कि वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों से सब्सक्राइब कराओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और फैला दो हर जगह, जिससे सभी लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो कि शायद गांव घर साइड रहते हैं, जो कि ऑनलाइन नहीं आते हैं, तो वो लोग भी भले ऑनलाइन आए ना आए, पर कुछ ऐसे एक वीडियो किसी भी प्रकार का बना दे जिसमें वो एक सपोर्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बने। एकदम भर जाना चाहिए यूट्यूब पूरा इस कैंपेन से रिलेटेड, और ट्विटर पर भी, तब जाके आपका यहाँ कुछ हो पाएगा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये आपकी लड़ाई, हमारी तो कुछ है नहीं। तो बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए तो वो अपना देखेंगे ही, क्योंकि आप सभी को हमारा यहाँ साथ देना पड़ेगा, तब जाके होगा। गाइडली जो चैनल है वो भी करे, करंट अफेयर्स फंडा है बैंकिंग के लिए वो भी करे, और बाकी सभी चैनल भी बैंकिंग के उसमें भी करेंगे, मैं बाकी जगह भी ये मैसेज पहुँचाऊँगा जहाँ तक मेरी रीच है। तो हम सभी आपका जरूर साथ देंगे, उस बदले में आपको भी साथ देना पड़ेगा कि आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, हर लोग तक पहुंचाएं, उनसे भी कहें कि वो भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो चैनल आपका साथ दे आपको उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, जो आपका साथ नहीं दे उनसे आपको दूर हट जाना चाहिए। मेरा तो एक यही मानना है कि बोलते हैं ना, बुरे वक्त में जो साथ देता है वही सच्चा साथी है, तो इन चीज़ों से आपको कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। तो यही एक छोटा सा बात बताना था आप लोग को इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी वैकेंसी की न्यूज़ लेकर आता हूँ या फिर इसी से रिलेटेड कोई ऐसी खास जानकारी लेकर आता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।